this bombshell of a memo from 2008, where agent Christian Michel explicitly advises Augusta Westland to target Sonia Gandhi's entire A-team, including then Prime Minister Manmohan Singh and Sonia's number one aide, Ahmed Patel. जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया तब उन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि जो कांग्रेस महात्मा गांधी विदेशी चले जाओ के नारे लगा करके काम कर रही थी, वही कांग्रेस विदेशी को लाओ का काम मंत्र पढ़ेगी, ये होगा वो मानते ही नहीं थे, इसलिए उन्होंने सोचा नहीं था। लेकिन अब कांग्रेस इसी हालत में तुली है कि 100 करोड़ देश के पास कोई नेता नहीं है, और ये देश के स्वाभिमान का सवाल है, ये राजनीति का सवाल नहीं है कि क्या मेरे आजाद देश जो अंग्रेजों को यहां सर रहा है, उस देश का अपना कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है क्या? इसलिए देश के स्वाभिमान की लड़ाई है ये। एक विदेशी महिला को देश का प्रधानमंत्री बना देना और हिंदुस्तान की सारी फाइलें उनके सामने खोल देना, ये कौन सी सुरक्षा का विषय है? हिंदुस्तान में घटना घटी थी, पंडित नेहरू के जमाने में घटी थी। होलकर परिवार में उस रियासत का वारिस कौन हो, इसका झगड़ा चल रहा था, क्योंकि होलकर के जो राजा थे उनको 2 पत्नी थी, एक हिंदुस्तानी एक विदेशी। अब उनकी इच्छा यह थी जो विदेशी पत्नी का बेटा था वो होलकर रियासत का वारिस बने, राजा बने। पंडित नेहरू ने अपने हस्ताक्षर से निर्णय दिया हुआ है, पंडित नेहरू की सरकार ने निर्णय दिया हुआ है कि होलकर परिवार का वारिस हिंदुस्तानी महिला की कुख से जो बेटा पैदा हुआ है वही होगा, विदेशी कुख से पैदा हुआ बेटा होलकर रियासत का वारिस नहीं होगा। ये पंडित नेहरू ने भी तय किया हुआ है, तो आज वो बदल करने की आवश्यकता क्या है? और भी एक घटना मैं बता सकता हूं आपको। हिंदुस्तान में सोनाली नाम की बंगाल की एक बहुत मशहूर कलाकार थी, सिने एक्ट्रेस थी, 1950 के कालखंड में, तब मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था लेकिन मैंने उनके विषय में सुना हुआ है। अब सोनाली एक्ट्रेस के नाते काम करती थी, तब इटली का एक रसोलिनी नाम का फिल्म डायरेक्टर हिंदुस्तान आया था, उन दोनों का प्रेम हो गया, शादी हो गई, सोनाली उसके साथ इटली में रहने लगी, शादी होने के कारण वो वहां की नागरिक बन गई, और उसको सोनिया जी की तरह नागरिक बनने में 15 साल नहीं लगे थे, वो तो जाते ही नागरिक बन गई थी। अब 20 साल के बाद उसको चुनाव लड़ने का मन कर गया, तो इटली के अंदर किसी शहर के एक म्युनिसिपैलिटी का चुनाव था, ये सोनाली उस म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में उम्मीदवार बनी। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि उसका नॉमिनेशन कैंसल किया गया, इस बात पे कैंसल किया गया कि वो इटली की नागरिक तो है लेकिन इटालियन नहीं है, वो मूल इटली की नहीं है, वो हिंदुस्तान की है, इसलिए वो वहां की म्युनिसिपैलिटी का चुनाव नहीं लड़ सकती। तो सोनाली के लिए तो इटली के अंदर ये दरवाजे बंद, और हिंदुस्तान में आप किसी को प्रधानमंत्री बनाने पर तुले हुए, तो जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा।